સાવજ છે એટલે અમે છીએ, અમે છીએ એટલે સાવજ છે. એક સમય એસા થા જબ લાયન્સ કો સિંધ સે લેકર બિહાર તક દેખા જા સકતા થા, લેકિન 20મી સદી કી શરૂઆત મે યે સિર્ફ ગુજરાત કે ગીર ફોરેસ્ટ તક હી સીમિત રહે ગયે થે. ઇનકે અંધાધુંધ શિકાર કે કારણ ઇનકી સંખ્યા ઘટકે સિર્ફ 15-20 હી બચી થી. હેલો વાઇલ્ડ લાઇફ લવર્સ, ફોરેસ્ટ નિંજા કે ઇસ ચેનલ મે ઓર ઇસ નય વાઇલ્ડ લાઇફ વિડિયો મે આપકા સ્વાગત હૈ. आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे लोकल कम्युनिटीज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर विलुप्त होती शेरों की पॉपुलेशन को 674 तक पहुंचा दिया. इंडिया में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. एशियाटिक लाइन की जब हम बात करते हैं तो हमें गुजरात का गिर नेशनल पार्क ही याद आता है. इंडिया में गिर नेशनल पार्क ही एक ऐसी जगह है जहां पे आप एशियाटिक लायन को वाइल्ड में देख सकते हैं. गुजरात की शान माने जाने वाले ये शेर एक समय ईरान, अफगान से लेकर इंडिया के वेस्ट से ईस्ट रीजन तक राज करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स और राजा महाराजा के हंटिंग स्पोर्ट्स और कम होते जंगलों ने एशियाटिक लायन को सिर्फ गिर के जंगल तक ही सीमित कर दिया था. हालात ऐसे हो गए थे कि 20वीं सदी की शुरुआत में इनकी संख्या घट के सिर्फ 15-20 की ही रह गई थी. एशियाटिक लायन की ये पॉपुलेशन विलुप्त होने की कगार पे आ गई थी. इस स्थिति को देखते हुए जूनागढ़ के नवाब ने शेर के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था. 1965 में लायंस के प्रोटेक्शन के लिए गिर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर कर दिया गया था. सिर्फ इतना काफी नहीं था, शेरों की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ये जरूरी था कि उनकी इलीगल हंटिंग को रोका जाए और उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए, और ये लोकल कम्युनिटीज के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था. लेकिन इस मुश्किल लक्ष्य को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मालधारी कम्युनिटीज के सपोर्ट से अचीव किया. ये इनके संयुक्त प्रयास का ही नतीजा है कि आज लायन की प्रजाति तेजी से बढ़ रही है गिर के जंगलों में. एशियाटिक लायन के कंजर्वेशन में मालधारी कम्युनिटी की एक अहम भूमिका रही है. मालधारी कम्युनिटी गिर के जंगल में रहकर पशुपालन करते हैं और दूध का व्यवसाय ही इनका मेजर इनकम सोर्स होता है. अपने पशुओं के खाने के लिए ये कम्युनिटी गिर के जंगलों पर निर्भर है. मालधारी कम्युनिटी गिर के जंगलों में कई सालों से रह रही है, जिससे यहाँ पे पाए जाने वाले शेरों से इनका एक अनोखा रिश्ता बन गया है. इस कम्युनिटी के लोग शेरों को एक स्पिरिचुअल फिगर मानते हैं. लोकल कम्युनिटी जानती है कि लायन का कंजर्वेशन उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कितना जरूरी है, इसलिए उनके कंजर्वेशन के लिए ये लोग पूरा सपोर्ट करते हैं. मालधारी कम्युनिटी के काफी लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए गिर नेशनल पार्क पर डिपेंडेंट हैं. यहाँ के लोग गिर नेशनल पार्क में गाइड, सफारी ड्राइवर्स, बीट ऑफिसर्स जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं. हमने कई टाइगर रिजर्व में ऐसा देखा है कि जब कोई वाइल्ड एनिमल विलेजेस की गाय या भैंसों का शिकार करता है तो लोग उस जंगली जानवर से बदला लेने के लिए उनको मार देते हैं. गिर में भी शेर यहाँ के लोगों के डोमेस्टिक एनिमल्स का शिकार करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग रिटेलिएट नहीं करते और उसको नेचर का एक रूल समझकर एक्सेप्ट कर लेते हैं. वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की माने तो लोकल कम्युनिटीज का शेरों के साथ एक अटैचमेंट है, और ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है इनके कंजर्वेशन का. शेरों को भी इस कम्युनिटी के साथ रहने की आदत हो गई है, इसलिए वो उनकी प्रेजेंस से डिस्टर्ब नहीं होते और ना ही अटैक करने की कोशिश करते हैं.
शेरों की संख्या जो एक समय विलुप्त होने की कगार पे थी वो 2020 के सर्वे के हिसाब से 674 तक पहुंच गई है। आज ये शेर सिर्फ गिर के जंगलों तक सीमित नहीं है, इन्होंने अपनी टेरिटरी गिर के आसपास के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में भी बना ली है। एशियाटिक लायन के इस कंजर्वेशन प्रोग्राम ने एक बात तो जरूर कंफर्म कर दी है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए लोकल कम्युनिटीज का सपोर्ट होना कितना जरूरी है। लोकल कम्युनिटीज की मदद से इन प्रेशियस वाइल्ड लाइफ के संरक्षण और प्रोटेक्शन प्रोग्राम को काफी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। गिर में बढ़ती शेरों की आबादी इस बात का प्रूफ है कि अगर इंसान चाहे तो वाइल्ड एनिमल्स के साथ पीसफुली रह सकता है। बस जरूरी है तो एक बात कि दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और अपनी बाउंड्रीज का ख्याल रखें। और यही एक चीज हमें देखने को मिलती है गिर में पाए जाने वाले शेरों और मालधारी कम्युनिटीज के बीच। आई होप एशियाटिक लायन और मालधारी कम्युनिटी की यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वाइल्ड लाइफ वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल फॉरेस्ट निंजा से।